Good morning from Naran. It is Naran day one. We have just woken up और अभी इस वक्त जो है फ्रेश हुए हैं, ब्रश वगैरह किए, अब कुछ चाय वाय की तलाश में हूँ मैं. लेकिन मी एंड माई वाइफ इज यू नो टेकिंग अ वॉक इन टू द स्ट्रीट्स ऑफ नारान. देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्योंकि द सिटी इज़ ब्यूटिफुल. आई हैव बीन टू दिस प्लेस फॉर लाइक 3 or 4 times और हमेशा मैंने इसको हमेशा खूबसूरत ही पाया है. क्योंकि इसकी खूबसूरती ये नहीं है कि यार ये रोड कैसे बने हुए हैं या कैसे होटल हैं, इसकी खूबसूरती वो नेचुरल खूबसूरती है जो कि आपको ना आपके इर्द गिर्द नज़र आएगी. जैसे अब आप ये देखें यार, दीज आर ऑल पाइन ट्रीज. ये देखें फिजा, दिस इज आवर होटल वेयर वी आर स्टेइंग. और यार व्यू ये देखें. अब आज का जो वो आज की जो आइटनरी है, वो जो मैंने सोची वो ये कि यार जीत सैफुल मुल्क जाना है. इट्स 12 ऑलरेडी, तो जीत सैफुल मुल्क के लिए ना असल में जाना थोड़ा सा अर्ली चाहिए कि धूप हो जाती है. लेकिन दूसरी बात ये कि क्योंकि सफ़र हमारे अभी तक लंबे लंबे चल रहे हैं, हमने सोचा हुआ था कि हम इस्लामाबाद से शुरू करेंगे, इसके बाद फिर हमें एक लंबा ट्रिप लगा कर ना एक ऐसी जगह पर जाना होगा जहाँ पर ठंडक होगी. ठीक है, तो आप क्योंकि लंबे सफ़र है तो इसलिए हमें नींद भी ज़्यादा आ रही है. और नींद ऐसी नहीं आ रही कि मतलब 20 घंटे सो रहे हैं, एटलीस्ट गुड 8 hours हमारे नींद के हो रहे हैं. ठीक है, तो आज की आइटनरी सोची मैंने ये कि हम जीत सैफुल मुल्क जाएँ और हम ट्राउट फिश खाएँ, क्योंकि यहाँ की जो फेमस स्पेशलिटी है वो ट्राउट फिश है. और हर बंदा अभी ट्राउट फिश बेच रहा है. अभी इस वक्त जून के महीने में ट्राउट फिश यहाँ पर ना आपको 3500 रुपये पर किलो मिल जाएगी. लोग 4000 रुपये किलो ही बेच रहे हैं और कुछ रेस्टोरेंट हैं जो कि 5500 रुपये किलो ही बेच रहे हैं. तो आप लोग ढूंढिएगा कि आपको अपना कोई सस्ती ट्राउट फिश मिल जाए. बहुत सारे अपना आपकी जब रस्ते में अपने नारायण के रस्ते में भी आपको बहुत सारी जगह पर ट्राउट फिश मिल जाएगी. खैर चलते हैं चाय ढूंढने, अच्छी चाय मिल जाए तो दिन का आगाज़ अच्छा शुरू हो जाएगा मेरा. अभी हम लोग यहाँ पर हैं, ये कौन सी जगह है, इसका नाम है लाहौरी रेस्टोरेंट. और हम यहाँ पर आए हैं, हमने अभी लस्सी मंगवाई है, चाय मंगवाई है और आलू का पराठा. ठीक है, तो मेरे साथ मेरी लवली वाइफ हैं जो कि इनकी फरमाइश पे ये मंगवाया मैंने. तो अच्छे से नज़ारे और साथ में ये नाश्ता, क्या कॉम्बिनेशन है यार. हाँ, तो हमने नाश्ता कर लिया है, अब हम लोग वापस अपने होटल जा रहे हैं और देखते हैं आगे का प्लान क्या. पता नाश्ता कैसा था? अच्छा था. क्या आपने क्या खाया? पराठा और लस्सी और चाय. अच्छा, सर्विस भी बड़ी अच्छी थी लाहौरी रेस्टोरेंट था. अगर आप लोग भी जब आना चाहें तो यहाँ पे लाहौरी रेस्टोरेंट है मेन बाज़ार में, ज़रूर ट्राई कीजिएगा. लस्सी अच्छी थी, आलू का पराठा बड़ा अच्छा था और सर्विस भी बहुत अच्छी थी. अभी हमारे होटल की अपना रास्ता शॉर्टकट है बेसिकली, इधर से गाड़ी आ सकती, उन्होंने ये गेट लगाया हुआ है. व्यूज देखें, वो पहाड़ देखें, सब देखें. हम लोग निकल रहे हैं जीत सैफुल मुल्क. हम अभी 2:15 हो रहे हैं, ऑल दो वी आर वेरी लेट. हमें निकलना चाहिए था तकरीबन 10:15, लेकिन हम लोग रात को 11 बजे नारायण पहुँचे थे. फिर हमने होटल फिगर आउट करने तक करीब हमें 1 घंटा लग गया. फिर हमने खाना खाया, फ्रेश हुए, इसमें तकरीबन हमें 2 या 2:30 बज गए थे. फिर आगे सोए तो यू नो द रेस्ट. अब हम निकल रहे हैं जीत सैफुल मुल्क. हमने ये गाड़ी करवाई है. ठीक है, ये गाड़ी हमने करवाई है. अभी इस वक्त जो पेट्रोल और डीजल के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो गाड़ी वाले बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं. ठीक है, तो हमें ये गाड़ी जो है 3000 रुपये के अंदर जीत सैफुल मुल्क लेकर जाएगी. हमारे ड्राइवर ने एक स्टॉप लिया था बिकॉज ही वांटेड टू गेट सम नसवार. सो या मैंडेटरी थिंग्स. कौन सा शहर है सर जी? सुखनी ठंडी है वो आ रही. वो दिख रही है.
आगे भी अजीब जबर मलूक is the mighty Jeel Saiful Maluk. After a drive of almost an hour and a half, almost day and day drive, we reach Jeel Saiful Maluk. और ये आप पहाड़ देख रहे हैं, ग्लेशियर देख रहे हैं, नॉट ग्लेशियर बट ये पहाड़ और बर्फ है, और यही इसका असल मज़ा है। तो हम लोग जीत सैफुल मुल्क पहुंच चुके हैं। जीत सैफुल मुल्क की क्या बताएं आपको कि क्या बात है, खूबसूरत तरीन झील है पाकिस्तान की, और जो इसके अंदर नज़ारे हैं वो अपनी ही एक अलग ही चीज़ है। ठीक है, वो वर्ड नहीं आया जो मैं कहना चाह रहा, लेकिन ये कि आई होप आपको समझ में आ गया। खैर अभी देखें पहाड़, और इन पहाड़ों पर सारी बर्फ़ है, तो देखिए माशाल्लाह। ठीक है यार, हम आए हैं ये कागान रेस्टोरेंट। ये जीप सफर मुलुक में दाखिल होते ही जो है ये स्टार्टिंग में आता है। अभी हम लोग जो है इनसे चाय बनवा रहे हैं। चाय मैंने भी जहाँ पे भी पी है ना, थोड़ी सी वो कम पकाते हैं, कम पत्ती डालते हैं, तो मैं इनके पास खुद खड़े होकर चाय बना रहा हूँ। ये भाई बड़े अच्छे हैं, ये अपने ये रेस्टोरेंट के ओनर हैं, और ये भी हमारे लिए चाय बनाएंगे। और आप लोग भी आएँ तो यहाँ पर आप ये छोले चावल खा सकते हैं, बड़े अच्छे चावल हैं, और हर बंदा तारीफ़ कर रहा है। अभी ये ख़त्म हो गए तो ये अपने लिए खुद के लिए निकाल रहे हैं। बस मैं पी रहा हूं, ना पी रहा ये कह रहे हैं उन्होंने हमारे लिए कब धोए, ये इसमें डाल दो, ये आपकी डाल रहा हूं। हां ये मैं पानी तेरे तारो तार चेक लार थी, उसमें डाल दो इसमें, बस हो गया ना चार कप, यही ना चार ही वो बस सही, हमको चार ही चाहिए। आपका नाम क्या है? जानदास जी। जानदास, कहाँ पे होते हैं आप? जील सैफुल मुल्क में। आप क्या करते हैं? इधर होटल पर काम करता हूँ। बस ठीक है भाई, ये क्या नाम बताया आपने? जानदाद। जानदाद, ये जानदाद भाई हैं, बड़े अच्छे हैं। जील सैफुल मुल्क में एंटर होते ही जो ना कागान रेस्टोरेंट है, अच्छा खाना है, साफ सुथरा खाना है, और बड़े अच्छे आदमी है। थैंक यू सो मच। यार चाचा जी बात सुनिए, जानदाद भाई यार जील सैफुल मुल्क नीचे उतरे थे तो ये भाई मिले, ये चना चाट बेच रहे हैं, 50 रुपए की प्याली है। वाकई में बहुत अच्छी चाट है, आप जब सब यहाँ पे आए तो उनके चाट जरूर ट्राई कीजिए। आपका नाम क्या? मोहम्मद इरफान। थैंक यू। आइए अब इस नीचे उतरने का रास्ता कहाँ से? यहाँ से चलो आ जाओ। चना चाट कैसी है? तो जो पैर बचा के आना है आपने। अच्छा, सबको बता दूं आपकी कौन खाएगा? अगर कोई खा सकता है तो ले, अच्छा है, लोकल वेंडर जिस दूसरे
अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं और ये झील का रास्ता है। चले जी, अब हम नीचे जा रहे हैं झील की तरफ। एंड लुक एट दीज अमेजिंग व्यूज, सो मस्टराइजिंग यार। सनराइज पे सनराइज के टिक्के वगैरह, कश्मीरी दाल चावल, बिरयानी। सर आने थोड़ी देर में जरूर आना सर जी, आपका वेट करेंगे, खाने का मजा आएगा। I did look at that point that you were telling me about. वो प्रेशर है ना? हाँ। ये बेसिकली ना सारा पानी जो इसके अंदर जमा हो रहा है पहाड़ों से हो रहा है, और फिर वो जो उन्होंने बनाया वो झील ओवरफ्लो हो रही है होगी, आराम से पानी नीचे आता रहता है और उसमें से वो बैराज टाइप का बनाया जिसमें पानी निकल के ही नीचे गिर जाता है। एक मिनट का फोन देखते जी। मैंने पहनी गिलगिती टोपी, गिलगिती कहते हैं क्या? चित्राली टोपी, चित्राली टोपी। और ये मैडम ने चित्राली, इनकी भी फीमेल चित्राली टोपी है। इसके 50 रुपए चार्ज थे एक टोपी के, तो 100 रुपए हो गए। आप लोग भी हैं तो आप भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी वो वहाँ पे स्टॉप की, जो ब्लू रंग का आपको होटल अपना ये कॉटेज टाइप का दिख रहा होगा वहाँ पे, उसकी तरफ ना हमने बेसिकली देखने का, वो जो दो पॉइंट्स हैं वहाँ पर, दो पॉइंट ये इसके सामने गाड़ी पार्क की है। तो वैसे ऑल द वे हम नीचे आए और यहाँ पर आकर हम ये नज़ारे इंजॉय कर रहे हैं। पहली मरतबा झील सफर मुलुक आई, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि मैं पहली दफ़ा किसी पंजाब की लेक पर आई हूँ, उसी पहले है। और ये लेक ना सच में यहाँ पे आओ सारी टेंशन लोगों को बुला दें। तो ये ऐसे गोल गोल क्या है? ये छत है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो क्या किलो होता है ये? 300 पाव। अच्छा अच्छा, या हाफिज़ो, या हफीज़ो, या सलामो, या अल्लाहो, या हाफिज़ो, या हफीज़ो, या सलामो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमीन सुम्मा आमीन। ये हमारे लिए ड्राइवर जो है आबशार का पानी भर रहे हैं। अब ये हमारे भाई बीच में आ गए, तो सलमान साइड में ना, ये सलमान साहब मुंह धो रहे हैं, लग रहा है सिंगल अंगुल हो जाएगा। हम भी इस गलत कमी में थे, हमारा भी युवा तो इनका कैसे होगा। बहुत गर्म है यार। तो अभी हम लोग अपनी जीप से उतरे हैं, ठीक है, और हम लोग जा रहे हैं, ये सामने ग्लेशियर है, बर्फ है ये पूरी बर्फ, और इसमें इतनी ठंडी हवा निकल के आ रही है
तो हमने सोचा कि हम यहाँ की इसकी वीडियो बनाएंगे करीब जाकर और इसको और पिक्चर्स भी लेंगे, क्योंकि यहाँ वाकई में इतनी ठंडी हवा चल रही है, बस ये बर्फ़ की वजह से, क्योंकि बर्फ़ है यहाँ पर। और दूसरा ये कि जो हमने चश्मे में से पानी निकाला था, जैसे हमने बॉटल भरी थी, वो पानी जो हम फ्रीजर में पानी रखते हैं ना, उससे भी ज़्यादा ठंडा पानी था। तो सब इसके नीचे चलते हैं, ये थोड़े से एग्लू टाइप की जगह है। अच्छा, ये भी ग्लेशियर ही है। हाँ, यहाँ से जो है चेक करें, यहाँ आपको मैं बता नहीं सकता कि यहाँ से कितनी ठंडी हवा आ रही है। उफ, ये जो आपको फॉग शॉग दिख रही होगी, हल्का सा धुआं धुआं, ये जैसे कि फ्रिज में से जैसे हवा निकलती है ना ठंडी, वैसी है। तो अभी हम लोग आए हैं खाना खाने, और यहाँ पे लकीली हमें मिला सब जो है, और रोज़ाना की और एक बार बता दूँ आपको कि यार यहाँ पे कढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आदमियों को आपको पता है कि हर बंदा कढ़ाई खाना चाहता है, कढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। चपली का कबाब आपको अच्छे मिल जाएंगे, और एक और अपना ये कुछ टिक्का बोटी वगैरह अच्छा मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा आपको ज़्यादा अच्छा खाना नहीं मिलेगा। तो सब्वे यहाँ पे मिलना एक बड़ी नेमत की बात है। अब हम सब्वे ट्राई करेंगे आज यहाँ पे कि हम अपने नाराज में सब्वे कैसा है। सही है, नहीं उनके भी दो दे वैसे वाइस सब्वे खाएंगे हम लोग, सब्वे खाएंगे, मैं तो ये सब्वे खाऊंगा। कॉर्न और उसके अलावा टमाटर के अलावा सब कुछ या तो हमने खाना ले लिया, और हम लोग जाएंगे और एक अच्छी सी चीज़ मिली है, हम वो ट्राई करेंगे। सब्जी खाने के बाद हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, तो वो जो एक चीज़ थी वो मैं वो ये कॉफ़ी की बात कर रहा था कि हम कॉफ़ी पियेंगे, क्योंकि इतनी ठंडे मौसम में कॉफ़ी बनती है। ये भाई हमारे प्यारे से भाई हैं जो कॉफ़ी बना के दे रहे हैं हमें, कि स्पेशलिटी है कोको पाउडर और क्रीम। ये हमारा होटल का खाना है, क्योंकि हम इनको ऑर्डर देते हुए गए थे।